हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर ये मैसेज आया था जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और बहुत लोगों को जानना ये ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उनको जो है 2 साल का वीज़ा था लेकिन 2 साल में उनको एक बार भी छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने जब कंपनी को बोला कि उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, वो छुट्टी जाना चाहते हैं, तो फिर कंपनी ने बोला ठीक है, तुम अपने पैसे पे जाओ और उनको और तुमको लीव सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो क्या है लेबर लॉ में, क्या आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, 2 साल में एक भी बार की छुट्टी नहीं मिले इनको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जो साइन किए हैं उसको चेक करना होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या है। आपको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 2 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, या 2 साल बाद जब आपका वीज़ा रिन्यू होगा उस समय पर आपको छुट्टी मिलेगी। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, कंपनी के थ्रू जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए जाते हैं तो इसमें ये सारे ऑप्शंस उनको मिलते हैं। तो वो लोग कोई सा भी टर्म एंड कंडीशन आपको दे सकते हैं कि आपको कैसे छुट्टी मिलेगी। तो सबसे पहला काम होता है आपका कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखना कि उसमें छुट्टी का क्या लिखा है, ठीक है। एज़ पर यूएई लेबर लॉ, आपको साल में एक बार की भी छुट्टी मिल सकती है, 2 साल में एक बार की भी छुट्टी मिलती है, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ठीक है। तो सबसे मेन काम होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखना। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में देखा आपने कि आपका 1 साल में 1 महीने की छुट्टी है लेकिन आपने 2 साल छुट्टी नहीं लिया, तो ऑब्वियसली आपकी छुट्टी पेंडिंग है, आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर छुट्टी मेंशन है तो उसमें ये भी मेंशन होगा कि आपको कंपनी फ्लाइट टिकट देती है कि नहीं, और 1 महीने की आपकी पेड लीव होती है या अनपेड लीव होती है। मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यूएई में इस समय पे बन रहे हैं उसमें 1 मंथ की पेड लीव होती है और साथ में फ्लाइट की टिकट्स कंपनी ही आपको देती है, ये चीज़ आपको जान लेना है। फिर भी कंपनी आपको घर नहीं जाने देती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 2 साल से घर नहीं गए हैं तो आप लोग जाके बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, मौर्य के पास जा सकते हैं। इनकी कस्टमर केयर को अभी बहुत अपडेट कर दिया गया है, आप लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर कंपनी को बोल सकते हैं कि अगर आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो मुझे लीगल वे में जाना पड़ेगा कि आप मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं बोलूँगी, प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो इस चीज़ को म्यूचुअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लीगल वे में अगर आप जाएंगे तो आपको आपका खर्चा जो है अच्छा खासा इसके ऊपर बैठ जाएगा, यानी कि कुछ फीस वगैरह आपको इसमें देनी पड़ती है लीगल वे में जाने के लिए, ठीक है। और अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपका नंबर कब आएगा ये भी आपको नहीं मालूम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोशिश कीजिए म्यूचुअली इस चीज़ को सॉल्व करने की कि कंपनी आपको छुट्टी दे दे, पेड लीव हो और टिकट का पैसा भी दे दे आपको, ठीक है। म्यूचुअली करने की कोशिश कीजिए, आप अपने जो मैनेजर हैं या जो भी एचआर हैं उनसे बोलने की कोशिश कीजिए और इस चीज़ को सॉल्व आउट कीजिए। लेकिन एज़ पर यूएई लेबर लॉ भी मैंने बता दिया कि साल में एक बार की छुट्टी मिलती है मैक्सिमम लोगों को, बहुत कम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में होता है कि 2 साल में एक बार की छुट्टी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।